लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि स्टेशनरी प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्थिर ग्रह क्या होते हैं, और स्थिर ग्रह को कुंडली में किस तरीके से उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप इजीली अपने बर्थ चार्ट में ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी कोई स्थिर ग्रह है या नहीं है, और इसको करने में आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि स्थिर ग्रह होते क्या हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, तो आप मेरा वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि 1986 का हम देख रहे थे कि 1986 में अगर एग्जांपल है कि किसी का बर्थ 1986 में हुआ है, तो कैसे प्लैनेट स्टेशनरी है या नहीं, वो कैसे निकालेंगे। तो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट मैंने सर्च करा, इन 1986। सो हम बेसिकली सर्च कर रहे हैं कि कौन से प्लैनेट रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुए थे और डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड हुए थे 1986 में। अब जो पहला लिंक खुलकर आया, इसको खोल लेते हैं। मर्करी रेट्रोग्रेड है। अब मर्करी का रेट्रोग्रेशन बिगिन लिखा हुआ है, रेट्रोग्रेड एंड लिखा हुआ है। तो अगर 1986 में किसी का 7 मार्च को बर्थ हुआ था या उसके आसपास हुआ था, तो उसकी कुंडली में मर्करी यानी कि बुध स्थिर हुआ। ऐसे ही अगर आप देखें तो वीनस 15 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड था और नवंबर 26 को 1986 को वो डायरेक्ट मोशन में आया था। सो अगर 15 अक्टूबर या नवंबर 26 के आसपास किसी का बर्थ हुआ है, तो शुक्र यानी वीनस उसकी कुंडली में स्थिर या स्टेशनरी है, या इसके आसपास के डेट्स में भी टुवर्ड्स स्टेशनरी हुआ, काफ़ी स्लो प्लानिट ये बिहेव कर रहा होगा स्टार्ट में। ऐसे ही मार्स का है। सो आप ऐसे किसी भी कुंडली में चेक कर सकते हैं। 1986 में अगर किसी का बर्थ है, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप अपना ईयर डालिए। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये निकालना कितना आसान था, कितना टफ था आपके लिए, और क्या आपकी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है या फिर कोई स्टेशनरी प्लैनेट है। जल्दी आएंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में समझने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।